फ्री रेडिकल की बात करते हैं जी फ्री रेडिकल में सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि आ, क्या होगा हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं और एक एटम भी हो सकता है तो चले हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एटम हो या फिर हमारे पास क्या हो जी नंबर ऑफ एटम्स हो बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं दो तीन चार पांच भी हो सकते हैं और इससे ज्यादा भी उनकी अः हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी हो सकती है उसके बाद जो हम कहते हैं कि इनके पास क्या होना चाहिए जी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अब क्या मुराद है इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने यहाँ पर छोटा सा ई e लिख दिया है यानी कि इलेक्ट्रॉन वन हो थ्री हो थ्री इलेक्ट्रॉन्स हो उसके अंदर फाइव इलेक्ट्रॉन हो एक एटम के पास या ज्यादा सारे एटम्स के पास या इससे ज्यादा आप सेवन कह सकते हैं और इसी तरह से आपके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं जी फ्री रेडिकल अब इसको लिखने का तरीका क्या है अब जैसे हाइड्रोजन का अगर फ्री रेडिकल में बनाना चाहूँ तो सबसे पहले तो हम उसका सिंबल लिखेंगे और उसके बाद जो उसके ऑर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर एक डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे अब ये डॉट लिखने का मकसद क्या है जी इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ये आपको क्या शो कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है यानी कि इसका मतलब ये है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है चले अब हम बात कर लेते हैं कि फॉर्मेशन uh, कैसे होती है इसकी यानी कि फ्री रेडिकल आखिर बनेगा कैसे तो हम कहते हैं कि जब एक मॉलिक्यूल आप लेते हैं हाइड्रोजन का जैसे मैं अगर लिखूं कि H2 मैंने लिखा है ठीक है तो इसमें क्या होगा इसको हम कहते हैं कि एच मॉलिक्यूल हमने ले लिया और इसकी अगर हम ये कहें कि किस तरह से बॉन्ड हुआ हुआ होता है यानी कि दो हाइड्रोजन के एटम जो है आपस में किस तरह से बॉन्ड हुए हुए होते हैं तो वो हम बना लेते हैं जी आपने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है अपना इसी तरह से यहाँ पर हम एक एच लिखते हैं और इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे कर लेंगे। कि ये वाला का अपने में भी और कुछ देर के लिए इस हाइड्रोजन के एटम में भी आ जाएगा और रिवॉल्व करेगा तो इसको हम कहते हैं कि जी ये क्या बन गया है बॉन्ड और बॉन्ड का मतलब क्या होता है दो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि बॉन्ड इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन जी टू इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर हमने ये मेंशन कर दिया अब होगा क्या कि ये हाइड्रोजन एटम सॉरी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है ये ब्रेक करेगा यानी कि इस अपने बॉन्ड को ब्रेक करेगा और किस तरह से ब्रेक करेगा जी दरमियान से ब्रेक करेगा और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास तो यहाँ पर हम शो कर देते हैं कि यही वाला इलेक्ट्रॉन जो था वो इस वाले हाइड्रोजन के पास चला जाए और यही ये वाला इलेक्ट्रॉन जो था वो इस वाले हाइड्रोजन के पास आ जाए अब ये खुद ब खुद तो नहीं हो सकता कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमने लिया और जी वो खुद ब खुद जो है वो क्लीव हो के या टूट उसका बॉन्ड जो है से टूट जाएगा और वो रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर हमें सन लाइट देना पड़ेगी तो यहाँ पर हमें कोई अप्लाई करना पड़ती है कंडीशन जिस तरह हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं जी सन लाइट चले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सनलाइट ताकि हमें याद रहे और यहाँ पर क्या होगा दो एच रेडिकल बन जाएंगे एच रेडिकल एक यहां पर हमने शो कर दिया और इसके साथ ही एक और हमारे पास क्या बन जाएगा जी एच रेडिकल बन जाएगा ठीक है क्योंकि हमने कितने एक मॉलिक्यूल के अंदर हम हाइड्रोजन के दो आइटम ले रहे होते हैं तो रेडिकल भी आपके पास कितने बन जाएंगे जी दो अब इस एच रेडिकल को देखते हैं हम क्या है इसके पास ऑर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी कि यहाँ पर एक डॉट का मतलब ये है जो आपको ये डॉट नजर आ रहा है इसका मतलब ये है वन इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर ये यह हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है ये फ्री रेडिकल है इसी तरह से अगर हम इस वाले को देखें तो अगेन इसका ये ये जो जो एक डॉट है है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो अंदर हमने येलो कलर का बनाया है ये वन इलेक्ट्रॉन है जी और ये क्या है हमारे पास हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल तो यहाँ से हमें ये बात समझ में आ गई इसके अलावा सनलाइट देने के अलावा हमें और कंडीशन क्या देनी पड़ती है जी वो होती है हम हीट अगर अप्लाई कर दें हीट बहुत ज्यादा अमाउंट में अप्लाई करेंगे तो भी आपकी क्या होगी बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा जैसे हम लेते हैं क्लोरीन का यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं क्लोरीन गैस की सी एल टू मोलिक्यूल ले लिया हमने ठीक है अब सी एल टू मोलिक्यूल क्या होगा जी ये भी अगेन क्या होगा इसके पास इसने बॉन्ड बनाया हुआ है इस वाले क्लोरीन के साथ और इस क्लोरीन ने बनाया हुआ है बॉन्ड इस वाले के साथ अब बॉन्ड हमेशा इनके दरम्यान जो बनता है जिस तरह हमने बात की थी वेलेंसी में कि कार्बन से आगे वाले जो एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं उनके अंदर ऑक्टेट रूल अप्लाई हो रहा होता है और ऑक्टेट रूल को ही फॉलो करते हुए वो अपना बॉन्ड बनाते हैं यानी कि उनकी कंबाइनिंग पावर हम कहते हैं कि वो इस तरह से फुलफिल करते हैं कि उनके आखिरी वाले शेल में आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम कह सकते हैं कि इस वाले क्लोरीन के पास भी क्या होंगे आठ इलेक्ट्रॉन होंगे और इस वाले क्लोरीन के पास भी क्या होंगे आठ इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड का मतलब क्या था जी हम शो कर रहे होते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन यानी कि इससे पहले क्या हुआ था ये वाला एक इलेक्ट्रॉन जो इसके पास आ रहा है और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इसके ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो ये इनके कितने कितने इलेक्ट्रॉन को पूरा कर रहा है जी आठ आठ इलेक्ट्रॉन को और इन, इनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो रहा है लेकिन अब हम क्या करते हैं जी जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या होगा कि ये हमारे पास यहाँ से क्लीव हो जाएगा क्लीव होने से पहले अगर हम बात कर लें कि आठ इलेक्ट्रॉन है तो अब ये फर्दर किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे ये हमने क्या बनाया जी हमने पेरेंट मॉलिक्यूल बनाया है ठीक है इसको हम कैसे देते हैं चलें पेरेंट मॉलिक्यूल जिससे आगे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं अब क्या होगा जैसे ही हमने हीट अप्लाई की या हमने चलें सनलाइट ही दोबारा से दे दी या हीट दी तो क्या होगा जी ये हमारे पास बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ये जो क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड बना हुआ है ये होमोलाइटिक ब्रेकेज इसमें आ जाएगी होमोलाइटिक मैंने यहाँ पर टर्म इस्तेमाल किए चले हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इसके दरम्यान क्या हो रही है होमोलाइटिक ब्रेकेज चले है, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं होमोलाइटिक होमोलाइटिक का मतलब होता है इक्वली बराबर ठीक है और क्लेवेज या ब्रेकेच को हम कहते हैं कि टूटना किसी चीज का तो यहाँ हम लिख देते हैं जी ब्रेकेज और ये बॉन्ड इसका टूट गया और इसमें यही होगा कि एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन वाला यहां चला जाएगा और इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस क्लोरीन के पास चला जाएगा और ये क्या बन जाएंगे जी आपके पास दो क्लोरीन के फ्री रेडिकल बन जाएंगे तो यहां पर ये हमने मेंशन कर दिया कि दो हमारे पास क्लोरीन के फ्री रेडिकल बन गए अब एक एक इलेक्ट्रॉन इनका जो है वो कम हो गया पहले इस बॉन्ड की वजह से इसके क्लोरीन के आठ इलेक्ट्रॉन थे और इसी बॉन्ड की वजह से इस वाले क्लोरीन के आठ इलेक्ट्रॉन थे लेकिन जब हमने इनको सेपरेट कर दिया तो अब इनके पास कितने रह गए जी सेवन इलेक्ट्रॉन इसके पास भी और इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन रह गए जी सेवन इलेक्ट्रॉन तो अब इसको ऑक्टेट अपना कंप्लीट करने की जरूरत पड़ेगी और जिसकी वजह से ये जो होंगे क्लोरीन फ्री रेडिकल ये वाला भी और ये वाला भी ये क्या हो जाएंगे जी मोर रिएक्टिव हो जाएंगे तो ये बात हमने यहां से देख ली कि आपके पास जो फ्री रेडिकल होते हैं वो मोर रिएक्टिव क्यों होते हैं अपने पेरेंट वाले मोलिक्यूल से हम कहते हैं सीएल टू जो था उसको किसी के साथ कंबाइन होने की जरूरत नहीं पड़ रही थी क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट था लेकिन जो क्लिन आपके पास रेडिकल आ जाता है फ्री रेडिकल वो मोर रिएक्टिव क्यों हो जाते हैं क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता उनके पास सात इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहां से हमने उसकी फॉर्मेशन देख ली इसके अलावा हम और भी बहुत सारे फ्री रेडिकल जी देख सकते हैं जैसे ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल हमने अगर शो करना हो तो हम इस तरह से बता सकते हैं इसके अलावा अगर हमने अगर मिथाइल का CH3 का अगर हमने फ्री रेडिकल शो करना हो तो हम यू करके बता सकते हैं तो ये दो हमने ले ली फ्री रेडिकल की तो यहां से हमें समझ आ के बारे में बात करते हैं जी कि आइंस हमारे पास क्या है और यहाँ पर हमने दो इसके साथ एरोज लगा के और रिप्रेजेंट किया है, कैट, आइन और एन आइन भी। तो पहले जी हम ये बता देते हैं कि आइंस हमारे पास होता क्या है आइंस हमारे पास एक ऐसी स्पीशी होती है जो कि किस तरह से हमारे पास बनती है जी जब एक एटम में से हम या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें या फिर उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दें तो क्या वो चीज बन जाती है हमारे पास जी आई और ये दो टाइप्स के हमारे पास होते हैं जी एक तो है कैट कैटाइन ठीक है और दूसरा जो हमारे पास है जी वो है हमारे पास एन आई तो पहले हम जस्टिफिकेशन दे देते हैं कैट टाइम की और कैट टाइम को हम किस तरह से पहचान सकते हैं और क्या है इसके अंदर जी इसका जब हम नेम देखते हैं तो इसके नेम में है जी कैट और ये बेसिकली हमारे पास ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है और कैट का मीनिंग जो होता है वो क्या है जी यहाँ पर डाउन यानी कि किसी चीज ने यहाँ पर क्या हो जाना है लो हो जाना है या कम हो जाना है या डाउन हो जाना है तो हम इस तरह से करते हैं कि जी इसकी एग्जाम्पल लेकर एक स्टडी कर लेते हैं एक, एक एटम के साथ अब यहां पर जी हम सोडियम का ये एटम ले आए और इसका एक स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया यहाँ पर लिखा हुआ है जी सोडियम और इसका अटोमिक नंबर मेन्शन है इलेवन इलेवन क्या शो कर रहा है जी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन या प्रोटोन की तादाद ठीक है इलेवन यानी कि ये बेसिकली हमारे पास अभी न्यूट्रल एटम है यानी कि इसके पास प्रोटोन कितने हैं इलेवन है ठीक है, है उसकी तादाद 11 है इसी तरह से प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या है जी ये न्यूक्लियस में मौजूद है और इसके ऊपर चार्ज क्या होता है जी पॉजिटिव चार्ज होता है और ये बराबर है बाहर ऑर्बिट में जो मूव कर रहे हैं जी इलेक्ट्रॉन जो कि तादाद में कितने 11 ही है और इसके ऊपर चार्ज क्या है जी नेगेटिव अब क्या होता है हम इसके इलेक्ट्रॉन को जी रिमूव कर देते हैं यहाँ से ये जो है हमारे पास इस आखिरी वाले शेल में से रिमूव कर देते हैं लेकिन इससे पहले हम ऐसा करते हैं कि गिन लेते हैं पहले वाले आ, हमने कहा कि प्रोटॉन जो है वो इलेवन होंगे न्यूट्रॉन इलेवन होंगे इसके न्यूक्लियस में मौजूद उसके बाद फर्स्ट शेल आता है जिसमें हम कहते हैं मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो वन और टू आपको दो इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं उसके बाद जी हम नेक्स्ट वाले में देखते हैं आठ इलेक्ट्रॉन है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ तो दस हुए और ये जो लास्ट वन में है जी ग्यारह तो हमने देख लिया कि इलेवन ही प्रोटॉन है और इलेवन ही इलेक्ट्रॉन जो कि इसके ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं अब क्या करते हैं हम इसके एक इलेक्ट्रॉन को जी यहाँ से रिमूव कर देते हैं हटा देते हैं और ऐसा करते हैं अब इनकी तादाद को गिनते हैं तो कितना रह गया और कितनी इस पे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की तादाद रहेगी वो जानते हैं जी प्रोटॉन तो अगेन हमारे पास क्या है जी वो इलेवन ही है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि प्रोटॉन जो है वो हमारे पास जिसके ऊपर जी चार्ज क्या होता है होता यहाँ पर हम देख रहे थे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर थी और एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करें जी? वो करें इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज पहले नहीं था लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से क्या कर दिए जी कम कर दिए और इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी है गिनते हैं जी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी हो गई है टेन हो गई है ठीक है तो ये है जी अब बराबर नहीं है हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन के इफेक्ट को तो न्यूट्रलाइज कर देंगे यानी कि उनका इफेक्ट जो है वो बराबर हो जाएगा लेकिन एक प्रोटॉन इसके पास एक्स्ट्रा है यही वजह है कि हम इस होल पूरे के ऊपर क्या चार्ज मेंशन कर सकते हैं अगर मैं ब्रैकेट डाल के और इसके ऊपर चार्ज बताना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा जी पॉजिटिव चार्ज और अगर मैं सोडियम को यहां पर लिखना चाहूं तो आप मैं क्या लिखूंगी जी सोडियम पॉजिटिव यानी कि इससे पता चला कि कैट कैटाइन के ऊपर क्या चार्ज होता है जी पॉजिटिव चार्ज होता है ठीक है अब ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है इसके नाम से हमने बताया था तो जी कैट का मतलब क्या होता है डाउन इलेक्ट्रॉन की अमाउंट जो है वो क्या हो गई डाउन हो गई है या उसकी मकदार जो है वो कम हो गई है तो इसलिए हम कहते हैं जी कैट कैटाइन और इसके ऊपर चार्ज क्या है जी पॉजिटिव चार्ज अब यहां पर ये बात भी हम थोड़ा सा जहन में रख लेते हैं जी कि अगर पॉजिटिव लिखा है तो इसका मतलब ये है पॉजिटिव वन ठीक है यानी कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है अब ऐसा करूं कि मैं इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं तो इसके ऊपर हम क्या लिख देंगे जी पॉजिटिव वन और पॉजिटिव टू पॉजिटिव थ्री क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन की कितनी तादाद हम इसके अंदर से इस एटम में से निकाल रहे हैं दूसरी बात करते हैं जी हम एन आइन की एन आइन की तरफ जाते हैं तो अगेन इसके नाम की तरफ पहले हमारा जो है फोकस जाता है क्या है जी एन आइन में एन जो है वर्ड लिखा हुआ है और अगेन ये ग्रीक लैंग्वेज का ही वर्ड है एन का मतलब क्या है जी अप या इंक्रीज हो जाना ठीक है यानी कि किसी चीज की तादाद यहाँ पर क्या होगी जी इंक्रीज हो जाएगी तो अगेन हम इसके लिए एक ऐसा करते हैं कि एटम लेके और उस, उसके साथ हम इसकी वजाहत करते हैं जी यहाँ पर हम ले आए जी फ्लोरीन का एटम ठीक है और इसका अटोमिक नंबर हमने यहाँ पर जाहिर किया हुआ जो कि क्या है नाइन यानी कि क्या शो कर रहा है इसके अंदर प्रोटोन या इलेक्ट्रॉन की तादाद नौ है आप देख लेते हैं यहाँ पर जी क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तादाद नौ है फर्स्ट वाले में दो है इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट वाले में कितने हैं जी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन सेवन और ये पहले वाले दो कितने हो जाएंगे जी नाइन तो हम यहाँ साइड पे लिख देते हैं जी हमारे पास नौ प्रोटॉन जिसके ऊपर क्या है जी पॉजिटिव चार्ज है वो बराबर कि इसके इलेक्ट्रॉन के और एटम जो, जो, जो है वो इसके अंदर एड कर देते हैं शामिल कर देते हैं तो क्या होगा अब हम गिनते है जी कितनी होगी तादाद और लिखते हैं यहाँ पर प्रोटोन की तादाद अगेन क्या है जी नौ प्रोटोन हमारे पास ठीक है जिसके ऊपर क्या है जी पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन की तादाद अगर हम देखें तो इसको हम काउंट करते हैं जी यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन हो गई है जी इलेक्ट्रॉन की तादाद तो यहीं से हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन की जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो हमारे पास तादाद इंक्रीज कर गई है या अप है या इसका नाम से हमने यही मीनिंग निकाला या नाम से इससे रिलेशनशिप हम यही देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो गई है अब नौ प्रोटॉन जो है वो नौ इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट तो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं इक्वल कर रहे हैं बराबर में है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से हम फ्लोरिन के ऊपर क्या लिखेंगे जी एक नेगेटिव साइन यहां पर लिखेंगे ठीक है नेगेटिव लिखा है या नेगेटिव वन है इसका मीनिंग यानी कि इसमें इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया अब अगेन हम इसमें दो इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर सकते थे तीन भी तो इसके साथ रिस्पेक्टिवली हम क्या लिखते जाएंगे जी नेगेटिव वन नेगेटिव टू और इसी तरह से बहुत सारे एन आइन्स हम देखेंगे तो यहां से एक और बात भी हमें पता चल गई कि इनके ऊपर अगर पॉजिटिव हमने क्या टाइम के ऊपर सिंपली लिखा हुआ तो इसका मतलब यही है कि पॉजिटिव वन कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाला है और यहां पर हम कह रहे हैं जी नेगेटिव तो क्या शो कर रहा है कि नेगेटिव वन यानी कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया तो ए नाइन हमें पता चल गया कि हमारे पास क्या होता है इससे इलेक्ट्रॉन की तादाद इंक्रीज होगी जिसके ऊपर चार्ज क्या है जी नेगेटिव है तो यहां पर हम लिख देंगे एन आइन के ऊपर क्या चार्ज होता है नेगेटिव तो यहां पर हमने लिख दिया जी इसके ऊपर होल के ऊपर यहाँ पर हम चले रिप्रेजेंट कर देते हैं होल के ऊपर अगर मैं ब्रैकेट लगा के लिख दू नेगेटिव जिस तरह से फ्लोरीन को हमने यहाँ पर शो किया है तो ये हमारे पास कौन सा बन गया जी ए नाइन फ्लोरिन का ए नाइन बन गया और इसके ऊपर हमारे पास चार्ज क्या है जी नेगेटिव चार्ज और इसके साथ साथ हम ये भी चले डिस्कस कर लेते हैं बता देते हैं कि ये हमारे पास प्रोडिक्ट टेबल में कौन से एलिमेंट कैटाइम्स बनाते हैं और कौन से एलिमेंट ए नाइन को बनाने के लिए सलाहियत रखते हैं जी एन आइन्स जो हमारे पास होते हैं या कैटाइम जो होते हैं अगर प्रोडिक टेबल में हम देखें कौन से एलिमेंट बनाएंगे तो एलिमेंट्स जितने भी हमारे पास डिस्कवर हुए हैं प्रोडिक टेबल के अंदर हमने जी अटोमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से रख दी है की हर दूसरा एलिमेंट जो है वो अपने अटोमिक नंबर में पहले वाले से ज्यादा है अब अगर हम उसके लेफ्ट साइड पे देखें तो सारी की सारी जो हमारे पास जी मेटल्स हैं ठीक है वो क्या होती हैं उनके पास एबिलिटी ये होती है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज कर सकती हैं ठीक है तो वो क्या बनाती है मोस्टली हमारे पास क्या टाइम बनाती है यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देती हैं तो उनके हम कहते हैं कि वो किस में कन्वर्ट होगी में और जो हमारी राइट right साइड पे प्रोडक्ट टेबल अगर हम देखें तो जो नॉन मेटल्स अवेलेबल होती हैं जी उनके अंदर सलाहियत ये होती है कि इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड कर लेती हैं क्योंकि उनका साइज जो है वो स्मॉल होता है और भी बहुत सारी रीजन होती हैं जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद एन आइन में जी तब्दील हो जाती हैं तो यहां हमने देखा आइंस हमारे पास क्या है कि एक एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दे पॉजिटिव आइन के अंदर तब्दील हो जाए तो उसको हम कैट आइन कहते हैं और अगर एक एटम अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर ले और किस में कन्वर्ट हो जाए जी नेगेटिव आइन के अंदर जिसको हम एन आइन कहते हैं तो ये हमारे पास है जी कैट आइन और एन आइन और इसको हम कलेक्टिवली uh, भी कह सकते हैं तो दो तरह के हमारे पास हैं जी और और एन मोस्टली जो है वो कौन सी हमारे पास बनाती हैं जी एलिमेंट्स जो कि हमारे पास मेटल्स होती हैं और नॉन मेटल आइन की बात की थी जी हमने कि एटम के आखिरी वाले शिल में से अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी पॉजिटिव आइन में और अगर उसी वाले शिल के अंदर एक मजीद इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो वो नेगेटिव आयन में तब्दील हो हो जाता था इसी तरह से मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल की बात करते हैं हम अगर आपके पास हो और हम क्या करें जी उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें या उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा मॉलिक्यूलर आयन में तो सबसे पहले तो हम ये लिख देते हैं कि मॉलिक्यूल अगर हम ये चीज डिस्कस कर लेते हैं कि वो अगर लूज करे एक इलेक्ट्रॉन को यानी कि निकाल दे अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने ई लिख दिया तो क्या होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी वो एक पॉजिटिव मोलिकुलर आयन में तब्दील हो जाएगा और किस तरह से होगा चले हम ये देख लेते हैं इसके लिए एग्जाम्पल हमने ले ली एन टू की नाइट्रोजन मोलिक्यूल की जो हमारे पास क्या होता है गैस की फॉर्म में होता है और एनवायरमेंट में अवेलेबल होता है हम इसके न्यूक्लियस में देखते हैं जी प्रोटॉन कितने होते हैं सेवन होते हैं और न्यूट्रॉन कितने होते हैं वो भी आपके पास सेवन होते हैं अब इसका फर्स्ट वन अगर हम शेल बनाते हैं तो क्या होता है उसमें मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो यहाँ पर हमने दो इलेक्ट्रॉन बना दिए इसके बाद जो हमारे पास शेल आएगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी उसमें पांच होंगे क्योंकि हमने कितने पूरे करने सात पूरे करने हैं तो पांच हम यहां पर बना देते हैं और इस वाले शेल में मैक्सिमम आठ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं लेकिन हमारी इस नीड के अकॉर्डिंग हमें कितने चाहिए जी पांच चाहिए तो हमने पांच बना दिए उसके बाद एक और नाइट्रोजन का एटम हम यहाँ पर साइड पर बनाते हैं ताकि हम इसके साथ

क्योंकि पहले वाले में दो हमारे पास अवेलेबल है और ये कितने हो जाएंगी सात हमारे पास इलेक्ट्रॉन बन गए अब ये तीन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे आपस में इन तीन इलेक्ट्रॉन के साथ जो इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के तीनों इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्डिंग शो कर देंगे क्यों क्योंकि इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना था आखिरी वाले शल में इसको आठ इलेक्ट्रॉन चाहिए थे और पहले इसके पास पांच थे और इन तीन के साथ उन, उसने बॉन्डिंग करके ये कहा कि अब अपने वाले इलेक्ट्रॉन को मेरे साथ शेयर करो अब ये तीन इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में भी रिवॉल्व कर सकते हैं और इस वाले में भी रिवॉल्व कर सकते हैं इसी तरह से इसके ये जो तीन इलेक्ट्रॉन है ये इस वाले में भी रिवॉल्व करेंगे और इसी तरह से इस वाले ऑर्बिट में भी रिवॉल्व करते रहेंगे और इनके दरमियान

इसके न्यूक्लियस में 7 है और इसके भी न्यूक्लियस में टोटल जैसे ही हम क्या करते हैं जी इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं ये वाला इलेक्ट्रॉन लेट से हमने कहा कि ये निकल गया ठीक है जैसे ही निकलेगा तो हम ऐसा करते हैं कि इसकी रिमूवल को इस तरह से बता कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया और यहाँ से हम कहते हैं कि अब इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन की तादाद जो है वो क्या हो गई होगी इम्बेलेंस होगी यानी कि बराबर नहीं रही बल्कि हम कहते हैं कि चलें इसको हम थोड़ा सा इस तरह से बता देते हैं कि ये हमारे पास क्या हो गया अब इलेक्ट्रॉन की तादाद जो होगी वो कम हो जाएगी और हम कहेंगे इस तरह यहाँ पर हम लिख देंगे कि एन टू जो है वो कन्वर्ट हो गया है हमारे पास एन टू प्लस में और इसको हम कहते हैं जी यहाँ पर हम शो कर देंगे कि हमारे पास आयन बन गया है और किसका बन गया जी मॉलिक्यूल का आयन बन गया और इसका नाम क्या दे देंगे हम किटनिक मॉलिक्यूलर आयन तो यहाँ पर हम चले लिख देते हैं केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन अच्छा कैटाइनिक क्यों कह रहे हैं और कैटायन हमने पहले उसमें भी पढ़ा था एटम के केस में भी हम कह देते हैं कि कैटायन हमारे पास बनता है और एन आयन बनता है इसका मतलब क्या है यहाँ पर कैटाइनिक मोलिकुलर आइन का मतलब यह है केटन जो होता है वो हम ग्रीक में कहते हैं जी लो को ठीक है यानी कि इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी जब लो हो जाएगी तो उसको हम कहते हैं कैटाइनिक मोलिकुलर आइन जब मोलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो हम कहते हैं कैटाइनिक मोलिकुलर आइन चले आप ऐसा करते हैं कि हम इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन की तादाद देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन को देखते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो कितने हो गए जी एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तो यहाँ पर थर्टीन हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गए हैं जबकि अगर प्रोटोन को हम देखेंगे तो प्रोटोन के लिए पी लिख दिया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी मैंने मेंशन कर दिया तो यहाँ भी सेवन है और यहाँ भी सेवन है तो वो आपके पास होंगे तो देखिए इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी क्या हो गई वो कम हो गई इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा जी आयन अब ऐसा करते हैं कि वो वाला मोलिक्यूल देख लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो यहाँ हम लिख देते हैं कि मोलिक्यूल गेन इलेक्ट्रॉन तो यही नाइट्रोजन की एग्जांपल अगर हम ले लें और इसी के तरीके से हम समझ लेते हैं कि किस तरह से वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो यहाँ पर अगेन हम क्या करते हैं जी उसका बना देते हैं प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन कितने होते हैं कितने हो वो सेवन होते हैं और फर्स्ट ऑर्बिट जब हम इसका बनाते हैं तो इसमें मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और नेक्स्ट वन जब हम बनाएंगे तो उसमें कितने आ जाएंगे जी पांच जैसे हमने पहले बनाया था तो ये बन गया हमारे पास नाइट्रोजन का एक एटम और इसको हम यहाँ मेंशन कर देंगे और दूसरा वाला जब नाइट्रोजन का एटम बनाएंगे तो प्रोटॉन आपके पास सेवन होंगे इसी तरह से न्यूट्रॉन भी आपके पास सेवन होंगे और फर्स्ट जब ऑर्बिट हम बनाएंगे तो इसमें भी मैक्सिमम आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और नेक्स्ट वन जब ऑर्बिट बनाते हैं तो उसमें आ जाते हैं जी हमारे पास पांच और मैक्सिमम इसमें कितने आ सकते हैं आठ आ सकते हैं लेकिन हमें कितने चाहिए जी पांच चाहिए तो हमने वो बना लिया अब क्या होता है इनके दरम्यान बॉन्डिंग हो जाती है इसी तरह से ये तीन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कर लेता है ये वाले इसमें भी रिमूव सॉरी मूव करेंगे ये इलेक्ट्रॉन uh, और इसमें भी मूव करेंगे लेकिन जैसे ही हमने क्या किया कि एक और इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिया हम यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन लेते हैं और वो इसमें ऐड करते हैं वो इसमें भी ऐड हो सकता है यानी कि शामिल हो सकता है इसके ऑर्बिट में और इसके पास भी शामिल हो सकता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी ये एन टू नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा एनाइनिक मोलिकुलर आयन तो इसको हम लिखते हैं जी एनाइनिक मोलिकुलर आयन अब एनाइनिक क्या है और एनाइनिक हमने क्यों लिखा है अगेन एनाइनिक जो ग्रीक में हम मीनिंग इसका लेते हैं जी वो होता है आप ठीक है यानी कि आप इसमें इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी क्या हो जाएगी जी वो ज्यादा हो जाएगी जैसे पहले हमारे पास 14 और 14 ही रह रहे थे एन जब हमने लिया था इलेक्ट्रॉन तो की तादाद भी 14 थी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था और प्रोटॉन की तादाद भी कितनी थी जी, जी 14 थी लेकिन अब जब हम गिनेंगे तो कितनी हो जाएगी प्रोटॉन की तादाद देख लेते हैं जी अगेन 14 ही है वो सेम है आपके पास लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए जी वो अप हो गए यानी कि उनकी क्वांटिटी ज्यादा हो गई है वो मोर इन काउंटिंग uh, में हम कहते हैं कि वो उनकी तादाद क्या होगी वो ज्यादा होगी तो इस वजह से इसके ऊपर चार्ज चार्ज भी क्या हमने 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 लिख दिया दिया जी नेगेटिव के के साथ 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 इसको मेंशन यहां पर हमने साथ मेंशन कर जबकि पर किसके किया था पॉजिटिव हम देखते हैं जी, हमारे इन्वायरमेंट में मोलिकुलर आयन कौन से ज्यादा अमाउंट में है तो वो कैटायनिक मोलिकुलर आयन यानी कि वो वाले आयन जो इलेक्ट्रॉन को इजिली लूज कर देते हैं मोलिक्यूल्स वो वाले वो वाले हमारे पास क्या होते हैं कैटायनिक मोलिकुलर आयन होते हैं और ये इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है में तो इसकी एक दो एग्जांपल्स यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं जी मीथेन जो है वो क्या होता है सी फोर पॉजिटिव आयन में अगर हो तो इसको हम कहते हैं मोलिकुलर आयन इसी तरह से हीलियम भी जो है वो आपके पास क्या है किटाइनिक मोलिकुलर है तो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स थी मोलिकुलर molecular...